थिंक अबाउट इट चिल्ड्रन, ज़रा सोचिए। बटरफ्लाइज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। बटरफ्लाइज जो होती हैं वो खाना कहाँ से खाती है चिल्ड्रन? वो फूलों का रस चूसती हैं। हाँ, फूलों का रस चूसती हैं बटरफ्लाइज, उन्हीं से वो अपना पेट भरती है। फ्लावर्स का जूस पीती है बटरफ्लाई जो होती है, वो फूलों का रस चूसती है, फ्लावर्स का जूस पीती है, उन्हीं से वो अपनी खुराक कंप्लीट करती है, उन्हीं से अपनी भूख पूरी करती है। कैन अ फ्रॉग डू द सेम? चिल्ड्रेन, आपको पता है फ्रॉग फ्लावर्स खाता है? नो, अ शीप ईट लीव्स ऑफ श्रब। चिल्ड्रेन, शीप जो होता है वो क्या खाता है? पत्तियाँ खाता है। हाँ, पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं ना, ट्रीज के लीव्स होते हैं ना, वो पत्तियाँ खाता है शीप। कैन अ टाइगर डू द सेम? चिल्ड्रन, आपको पता है टाइगर लीव्स खाता है? नो, टाइगर डू नॉट ईट द लीव्स। टाइगर ईट टाइगर इज अ फ्लैश ईटिंग एनिमल। टाइगर तो नॉनवेज खाता है, वो एनिमल्स को खाता है, एनिमल्स को किल करके खाता है। अ फिश कैन ब्रीथ इन वाटर। आपको पता है फिश जो होती है, मछली, वो किसमें सांस लेती है? पानी में। फिश किसमें ब्रीथ करती है? वाटर में, पानी में सांस लेती है। बट कैन अ पिजन डू डैट? पिजन, कबूतर कर सकता है? कबूतर पानी में सांस ले सकता है? नहीं, कबूतर तो पिजन फ्लाई इन द स्काई। पिजन तो उड़ता है। पिजन इज अ फ्लाइंग बर्ड। पिजन ब्रीथ इन एयर, वो पानी में सांस नहीं लेता, वो बाहर पानी के बाहर सांस लेता है। बल्ड रशेस ग्रो इन वाटर, वो एक प्लांट होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है। बल्ड रशेस क्या होता है? एक्वाटिक प्लांट होता है जो पानी में बड़ा होता है। कैन अ लेमन ट्री डू सो? आपको पता है लेमन ट्री होता है, वो पानी में उग सकता है? नहीं, पानी में सिर्फ बल्ड रशेस उग सकता है। लेमन ट्री तो लैंड में उगता है, ज़मीन में उगता है। क्या आप बता सकते हो? इफ़ फिश लीव द वाटर विल दे बी एबल टू लीव इन लैंड? अगर फिश को हम पानी से बाहर निकालेंगे, क्या वो ज़िंदा रह पाएगी? नो, आपको पता है फिश ली इन वाटर, फिश कहाँ पे रहती है? पानी में रहती है। अगर हम उसे पानी के बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। फिश डू नॉट लीव ऑन द लैंड। फिश ज़मीन में नहीं ज़िंदा रह सकती, वो पानी के अंदर रहती है। ट्राई दिस चिल्ड्रन, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो। टेक टू स्मॉल बॉक्सेस, आपको क्या लेना है? टू स्मॉल बॉक्सेस लेना है, नंबर वन बॉक्स, नंबर टू बॉक्स। लेबल नेम बॉक्स वन बॉक्स टू, आपको लेबल करना है बॉक्स वन बॉक्स टू, टू बॉक्सेस लेना है। फिल देम थ्री क्वार्टर्स विथ सॉइल, आपको दोनों बॉक्स में मिट्टी डालना है। सॉइल मीन्स मिट्टी, हाँ, मिट्टी से भरना है। आप देख सकते हो, आपको दोनों बॉक्सेस में मिट्टी डालना है, मिट्टी भरना है। हाँ, फिल देम थ्री क्वार्टर्स विद द सॉइल, मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सो सीड। चिल्ड्रन, आपको अब मॉइस्ट करना है ना, उसे जरखेजी करना है। मॉइस्ट मीन्स उसे थोड़ा वो बनाना है, भुरभुरा बनाना है। आपने टू बॉक्स लिया, उसको उसके ऊपर नंबर वन लिखा, नंबर टू लिखा। अभी आपको क्या करना है? सो टू स्प्राउटेड मोथ मटकी इन ईच बॉक्स। आपको पता है मटकी होती है, जो एक टाइप की मटकी, एक टाइप की दाल की जैसी होती है, जैसे दाल हम लाते हैं वैसी स्प्राउट होता है, उसे हम हिंदी में स्प्राउटेड मोथ, इसे हम हिंदी में मटकी बोलते हैं। आपको स्प्राउटेड मोथ टू लेना है, टू स्प्राउटेड मोथ लेना है, मटकी लेना है, उसे मिट्टी में डालना है। आप देख सकते हो बॉक्स वन में भी, बॉक्स टू में भी। गिव टू स्पून ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स वन, आपको टू स्पून वाटर एवरी डे देना है। बॉक्स वन को भी देना है, बॉक्स वन को देना है, हाँ, बॉक्स वन को, बॉक्स टू को नहीं देना है। गिव टू स्पून ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स वन, आपको टू स्पून ऑफ वाटर बॉक्स वन को एवरी डे देना है। गिव फोर स्पून ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स फोर टाइम अ डे, लेकिन आपको दूसरे बॉक्स को फोर स्पून देना है। अब नंबर वन बॉक्स में हमें टू स्पून वाटर
मिट्टी में डाला, और नंबर टू बॉक्स में 4 स्पून ऑफ वाटर मिट्टी में डाला। डू दिस फॉर 6 डेज। ये हमारा 6 डेज का एक्सपेरिमेंट है। हाँ, हमें ये घर पे करना है। बॉक्स वन, बॉक्स टू, दोनों बॉक्स में हमने मिट्टी डाला, फिर 2 स्पॉटेड मॉक, जिसे हम हिंदी में मटकी बोलते हैं, उसे दोनों में डाला। बॉक्स वन में हमने 2 स्पून वाटर डाला, और बॉक्स टू में हमने 4 स्पून ऑफ वाटर डाला। व्हाट विल यू सी? अब क्या एक्सपेरिमेंट देखोगे, अभी हमें पता चलेगा। द प्लांट्स इन बॉक्स वन आर ग्रोइंग वेल। बॉक्स वन में प्लांट अच्छे से उग जाएगा, अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हो इसके रूट्स आ रहे हैं, फिर इसके लीव्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो बॉक्स वन में। बट द प्लांट इन बॉक्स टू हैव बिगन टू रोट। आप देख सकते हो ये बॉक्स टू में उसमें आ रहे रूट्स आ रहे, लेकिन एकदम मुरझा जा रहे, गिर जा रहे हैं। फिर क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। What does this tell us? ये क्या, plants that are not aquatic plants cannot grow in marshy area. If they get more water, then plants that are not aquatic plants cannot grow in marshy area. आपको पता है plants aquatic नहीं होता। हम बहुत सारे plants plants आप देख सकते हो हम पानी में पालते नहीं। हम बहुत सारे हमारे area में, हमारे environment में बहुत सारे plants हैं, बहुत सारे trees हैं, हम उसे पानी में पालते हैं नहीं, हम उसे लैंड में उगाते हैं, हम ज़मीन में उगाते हैं। प्लांट्स, ट्रीज जो होते हैं ना, एग्रीकल्चर, हम खेती जो करते हैं, अनाज हम उगाते हैं, हम ज़मीन पे करते हैं। हाँ, अगर उस पर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो प्लांट्स मर जाएगा, प्लांट्स मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे। इफ़ दे गेट मोर वाटर देन दे नीड दे रोट, अगर उसे ज़्यादा पानी मिलेगा तो वो मुरझा के मर जाएगा। एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग विल बी फाउंड ओनली वेयर ऑल इट्स नीडेड आर फुलफिल। आपको पता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है। पहले हमने एक बॉक्स लिया, उसमें सॉइल डाला, फिर सॉइल में हमने स्प्राउट मोड डाला, जिसे हम हिंदी में मटकी बोलते हैं, फिर उसमें थोड़ा पानी डाला। तो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए रहता है, आपको पता है, सनलाइट, एयर, वाटर, जो वो धीरे धीरे ग्रो होता है। अगर बॉक्स नंबर टू में हमने क्या डाला, सेम बॉक्स नंबर टू लिया, उसमें सॉइल डाला, फिर उस पर भी हमने 2 स्प्राउटेड मोड डाला, लेकिन उसमें हमने पानी ज़्यादा डाला। ज़्यादा पानी डालने से प्लांट्स मर जाते हैं, हमें उतनी लिमिटेशन करनी है जितनी प्लांट्स को चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से प्लांट्स मर जाएगा। चिल्ड्रेन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।